हेलो एवरीवन, जय स्वामीनारायण। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एस सोसाइटी गांधीनगर। मैं हूं प्रोफेसर वैभव सोलंकी फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज हम बात करने वाला है यूनिट 2 हाईवे ट्रांसपोर्टेशन के चैप्टर नंबर 7 ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 32 ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सो हमारा जो सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, उसके चैप्टर 7 के इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 32 ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक। सो दोस्तों, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने ट्रैफिक स्टडीज के बारे में डिस्कस किया, उसमें से ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे और ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, इन सभी बारे और सभी के लिए डिस्कस किया। फॉर स्पीड और स्पीड एंड डिले स्टडीज के बारे में भी डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सो बेसिकली ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सो द ट्रैफिक इंजीनियरिंग आर कनेक्ट कंसर्न विद द फ्लो ऑफ ग्रुप ऑफ व्हीकल ऑन द हाईवे सिस्टम फॉर प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग। सो बेसिकली थ्री फ्लो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक आर इम्पोर्टेंट, जो है पहला कि द स्पीड एंड इट्स रेसिप्रोकल टू ट्रैवल टाइम, दूसरा द वॉल्यूम एंड इट्स रेसिप्रोकल टू हेडवे एंड गैप, एंड तीसरा डेंसिटी ऑफ अ ट्रैफिक स्ट्रीम एंड इट्स रेसिप्रोकल टू स्पेसिंग ऑफ द व्हीकल। सो इन तीन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हमारा जो बेसिक ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक का जो पर्पज है वो है कि द बेसिक ट्रैफिक मैन्यूवर आर डाइवर्जिंग, मर्जिंग, क्रॉसिंग एंड मूविंग। सो इन सब के लिए हमको जो टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी पड़ेगी वो है ट्रैफिक फ्लो, जिसको हम क्यू से इंडिकेट करेंगे, जो है द रेट एट विच व्हीकल पास एट अ फिक्स पॉइंट। कोई एक फिक्स पॉइंट से जब आपका व्हीकल कोई पर्टिकुलर रेट पे पास हो रहा है तो उसको हम व्हीकल पर अवर यूनिट के साथ एम ब्रैकेट में 3600 अपॉन टी के साथ इंडिकेट करेंगे। सेकंड है ट्रैफिक डेंसिटी, जिसको हम स्मॉल के से इंडिकेट करेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल को एंड ओवर ऑफ स्ट्रेच ऑफ रोडवे एल की कोई पर्टिकुलर रोड लेंथ पे या रोडवे पे कितने नंबर ऑफ व्हीकल है तो उसका एकोमोडेशन को हम ट्रैफिक डेंसिटी बोलेंगे, जिसको व्हीकल पर किलोमीटर में इंडिकेट करने वाले हैं, जिसको हम एन अपॉन एल से डिनोट कर सकते हैं। तीसरा है ट्रैफिक हेडवे, टाइम इंटरवल बिटवीन द पैसेज ऑफ द फ्रंट ऑफ द सक्सेसिव व्हीकल एट अ स्पेसिफाइड टाइम, कि जो टाइम व्हीकल है वो सक्सेसिव व्हीकल के बीच में, तो उसको उस स्पेसिफिक पॉइंट पे हम ट्रैफिक या टाइम हेडवे बोल सकते हैं। सो एवरेज टाइम हेडवे इज इक्वल टू एवरेज ट्रैवल टाइम पर यूनिट डिस्टेंस इनटू एवरेज स्पेस हेडवे। बट व्हाट इज स्पेस हेडवे? स्पेस हेडवे इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट ऑफ सक्सेसिव व्हीकल। जैसे कि हमने स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई पर्टिकुलर टाइम पे डिस्कस किया कि वो सक्सेसिव व्हीकल के बीच का जो टाइम है उसको हमने टाइम हेडवे बोला, बट उसके बीच में जो स्पेस है उसको हम स्पेस हेडवे बोल सकते हैं, जिसका इक्वेशन है एवरेज स्पेस हेडवे इज इक्वल टू स्पेस मीन स्पीड इनटू एवरेज टाइम हेडवे। देन फ्लो डेंसिटी रिलेशनशिप, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, फ्लो इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू स्पेस मीन स्पीड, इक्वेशन है क्यू इज इक्वल टू के इनटू वी, जहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू वन अपॉन स्पेस हेडवे, जिसको हम एल एस से इंडिकेट करेंगे, स्पेस मीन स्पीड इज इक्वल टू फ्लो इनटू स्पेस हेडवे, जिसको हम क्यू इनटू एच एस से इंडिकेट कर सकते हैं, और डेंसिटी इज इक्वल टू फ्लो इनटू टाइम पर यूनिट डिस्टेंस, जिसको हम के इज इक्वल टू क्यू इनटू टी से इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको जितने भी टर्मिनोलॉजी है, टाइम मीन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड, ठीक है, स्पेस हेडवे, टाइम हेडवे और फ्लो डेंसिटी रिलेशनशिप के बारे में हमने यहाँ पे देखा।
ट्रैफिक कैपेसिटीज के बारे में बात करें तो ट्रैफिक कैपेसिटीज क्या है? सो बेसिकली द एबिलिटी ऑफ अ रोडवे टू अकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम, उसको हम ट्रैफिक कैपेसिटी बोलते हैं। सो इट इज एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ और मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल इन अ लेन और अ रोड दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट इन अ यूनिट टाइम यूजुअली इन आवर। वॉल्यूम रिप्रेजेंट एन एक्चुअल रेट ऑफ फ्लो वेयर एज कैपेसिटी इंडिकेट अ मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो विद अ सर्टेन लेवल ऑफ सर्विस। व्हाट इज बेसिक कैपेसिटी? सो it is the maximum number of passenger cars that can be passed a given point on a roadway during 1 hour under the most nearly ideal roadway and traffic condition. It is otherwise known as theoretical capacity. Traffic capacity जो ability है traffic volume को accommodate करने की particular roadway पे, जिसको हम traffic capacity बोलते हैं। but बेसिक कैपेसिटी को हम थियोरेटिकल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर का जो है वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे रोडवे पे एक कवर के लिए जो हमारी आइडल रोडवे ट्रैफिक कंडीशन है वहाँ पे हम उसको एकोमोडेट करते हैं या तो सपोर्ट करते हैं, तो जिसको हम बेसिक कैपेसिटी और थियोरेटिकल कैपेसिटी बोले। दूसरा है पॉसिबल कैपेसिटी, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑन अ रोडवे ड्यूरिंग 1 hour अंडर प्रीवेलिंग रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन। बेसिक कैपेसिटी के लिए जो ट्रैफिक कंडीशन थी वो क्या थी? ये आइडल रोडवे कंडीशन, यहाँ पे प्रीवेलिंग रोडवे ट्रैफिक कंडीशन है। तो अगर प्रीवेलिंग रोडवे ट्रैफिक कंडीशन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कोई पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर टाइम पे पास हो रहे एक 1 hour, तो जिसको हम पॉसिबल कैपेसिटी बोलते हैं। प्रैक्टिकल कैपेसिटी, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑन अ रोडवे ड्यूरिंग अ 1 hour विदाउट ट्रैफिक डेंसिटी बीइंग सो ग्रेट एज टू पोज अनरीजनेबल डिले हैजर्ड और रेस्ट्रिक्शन टू द ड्राइवर फ्रीडम टू मैनेवर अंडर द प्रीवेलिंग रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन। सो इन कंडीशन में जो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल जो पास हो रहे पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको हम प्रैक्टिकल कैपेसिटी बोलते हैं। प्रैक्टिकल कैपेसिटी सी इज इक्वल टू 1000 इनटू वी अपॉन एस। सो वेयर एस इज इक्वल टू एवरेज स्पेसिंग ऑफ द व्हीकल इन मीटर, सी इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल पर आवर पर लैन। सो इस हिसाब से हम पॉसिबल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, बेसिक कैपेसिटी और ट्रैफिक कैपेसिटी को इंडिकेट कर सकते हैं। और दोस्तों पीक आवर वॉल्यूम और पीक आवर फैक्टर के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली इट इज अ बेसिकली रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन ट्रैफिक फ्लो विदिन आवर कि 1 hour में, 1 घंटे में जो ट्रैफिक फ्लो में जो वेरिएशन आता है उसको मैं जो रिप्रेजेंट करता हूँ, तो जिसको हम पीक आवर फैक्टर बोल सकते हैं। सो द ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रैफिक फ्लो कंसिस्टेंटली इंडिकेट दैट द फ्लो रेट आर फाउंड इन अ पीक। सो अ 15 मिनट पीरियड विद इन अन आवर इज नॉट सस्टेन थ्रू आउट द एंटायर पीरियड एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू यूज द पीक आवर फैक्टर। नॉर्मली on a freeway and peak hour factor value range 0.80 to 0.95। so as per English standard हम peak hour factor की value जो हम ले रहे हैं उसको हम 0.80 से 0.95 तक indicate करेंगे। 15 minute period within 1 hour को हम consider करने वाले हैं, तो इन सब चीजों को मैं peak hour factor के बारे में discuss indicate कर सकते हैं। next topic is passenger car unit PCUs, as per examination बहुत ही important topic है। पहले समझते हैं PCU क्या है। So the different vehicle class have a wide range of static characteristic and dynamic characteristic. Apart from this, the driver behavior of the different vehicle class is found to vary considerably. Therefore, mixed traffic flow characteristics are very much complex than compared to homogeneous traffic.
एंड इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट ट्रैफिक वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ रोडवे अंडर द मिक्स्ड ट्रैफिक फ्लो अनलेस द डिफरेंट व्हीकल क्लास आर कन्वर्ट टू वन कॉमन स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट. सो बेसिकली जो होमोजीनियस और मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में हमको ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट में ट्रैफिक कैपेसिटी काउंट में जो डिफिकल्टी आ रही है कि अलग अलग क्लास ऑफ व्हीकल की वजह से, क्योंकि हम सबको पता है कि व्हीकल बहुत ही वाइड रेंज में आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल के लिए, अलग अलग क्लास के व्हीकल के लिए बहुत ही अलग रहने वाली है. तो जिसकी वजह से हम ट्रैफिक स्टडीज में जो एस्टिमेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम है कैपेसिटी ऑफ रोड वे अंडर द मिक्स ट्रैफिक फ्लो, तो हम इसमें बहुत ही डिफिकल्टी रहने वाली है. सो देयरफॉर इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू कंसिडर द पैसेंजर कार एज द स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट टू कन्वर्ट द अदर व्हीकल क्लास एंड दिस यूनिट इज कॉल्ड द पैसेंजर कार यूनिट. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाने के लिए हमने क्या किया कि जो भी नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ व्हीकल है उनको एक यूनिट ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया. सो कॉमन प्रैक्टिस के लिए हम उसको कंसिडर कर देंगे पैसेंजर कार यूनिट के लिए. तो जो स्टैंडर्ड व्हीकल एक यूनिट जो बनाया है उसको हमने कन्वर्ट किया है डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल क्लासेस के ग्रुप को, तो जिसको हम जो है पैसेंजर कार यूनिट बोलने वाले हैं. सो पीसी वैल्यू डिपेंड अपॉन द सेवरल फैक्टर्स सच एज व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसवर एंड लॉन्जिट्यूडिनल गैप और क्लियरेंस बिटवीन मूविंग व्हीकल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिक्स ट्रैफिक स्ट्रीम वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो रोडवे कैरेक्टरिस्टिक रेगुलर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन. इन सभी चीज़ों पर पैसेंजर कार यूनिट डिपेंडेंट रहेगा. सो जो पैसेंजर कार यूनिट है इंडियन स्टैंडर्ड और इंडियन रोड कांग्रेस 86/1983 के हिसाब से जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है व्हीकल के डिफरेंट डिफरेंट क्लास के हिसाब से उसका इक्विवेलेंसी फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट है. सो जो मोटरसाइकिल है स्कूटर है और पैडल साइकिल के लिए फैक्टर 0.5 है. पैसेंजर कार टेम्पो ऑटो रिक्शा एग्रीकल्चर ट्रैक्टर और पिकअप वैन के लिए ट्रैफिक फैक्टर 1 है. साइकिल रिक्शा के लिए ट्रैफिक फैक्टर 1.5 है. ट्रक बस एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के लिए 3 है. आउटस्ट्रॉन्ग व्हीकल के लिए 4. स्मॉल ग्लोब कार और हैंड कार के लिए इक्विवेलेंसी फैक्टर और पीसी फैक्टर 6 है और लार्ज ग्लोब कार के लिए 8 है. तो इसके हिसाब से हम ये जो पैसेंजर कार यूनिट का जो इक्विवेलेंसी फैक्टर है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से. तो ये हम इसकी वैल्यू हम याद रखने वाले हैं. उसके बाद बात करते हैं कुछ रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ट्रैवल टाइम वॉल्यूम और डेंसिटी और कैपेसिटी के बारे में. तो जैसे कि मैंने आगे आपको बताया ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक स्टडीज में स्पेसिंग स्पीड टाइमिंग स्पीड और ट्रैवल टाइम स्पीड डेंसिटी और कैपेसिटी सभी के बारे में जो डिस्कस किया उन सभी के इंटर रिलेशनशिप है जिसके थ्रू हम ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज कर सकते हैं. जो आप देख सकते हो रिफर पेज नंबर 208, 209 and 210 ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग बाय एस के खन्ना एंड सीईजी जस्टो. सो खन्ना एंड जस्टो की जो पब्लिकेशन है हाईवे इंजीनियरिंग के लिए उसमें आप इन सब रिलेशनशिप के बारे में डिटेल में स्टडीज कर सकते हो. आपको यहाँ वो हेल्पफुल रहेगा. तो यहाँ पे पहले मैक्सिमम फ्लो अकर व्हेन द स्पीड इज PSF अपॉन 2 एंड डेंसिटी इज KJ अपॉन 2. सो जो मैक्सिमम फ्लो होने वाला है ट्रैफिक का वो है Q मैक्सिमम इज इक्वल टू P इंटू SF इंटू KJ अपॉन 4. तो ये फाइनल इक्वेशन है ट्रैफिक फ्लो के लिए और ट्रैफिक मैक्सिमम फ्लो के लिए जहाँ पे KJ इज इक्वल टू जैम डेंसिटी जिसको हम 1000 अपॉन स्पेसिंग ऑफ द व्हीकल में इंडिकेट कर सकते हैं. VSF इज इक्वल टू फ्री मिन स्पीड के जिसके बारे में हमने आगे डिस्कस किया डेंसिटी के बारे में इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी वेट क्यू इज इक्वल टू एवरेज वॉल्यूम ऑफ द व्हीकल व्हीकल पर आवर एंड वी इज इक्वल टू स्पेस मिन स्पीड ऑफ द व्हीकल. तो इन सभी इंडिकेशन के थ्रू हम हमारा जो इक्वेशन आ रहा है मैक्सिमम फ्लो कैरेक्टरिस्टिक के लिए वो है VSF इंटू K
अपॉन 4, तो ये हम याद रखेंगे। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ सर्विस, उसके बारे में क्या डिस्कस करते हैं। सो ट्रैफिक कैपेसिटीज में लेवल ऑफ सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में अगर आपको डीपली स्टडी करना है तो लेवल ऑफ सर्विस इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पे आपके सिलेबस में ऐड किया है, ठीक है। जो यहाँ पे मैं आपको स्टडीज कराने वाला हूँ वह है लेवल ऑफ सर्विस। सो इट इज डिफाइंड एज अ क्वालिटेटिव मेजर डिस्क्राइबिंग द ऑपरेशनल एंड कंडीशन विद इन अ ट्रैफिक स्ट्रीम एंड देयर परसेप्शन बाय द मोटरिस्ट एंड पैसेंजर। कि क्वालिटेटिव मेजर हमको करना है ऑपरेशनल कंडीशन में कोई भी ट्रैफिक स्ट्रीम के अंदर। सो इसको हम लेवल ऑफ सर्विस के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। सो रेटिंग ऑफ द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सर्विस कंडीशन, एलओएस डेफिनेशन को हम डिफाइन करें तो एलओएस को हम लेवल ऑफ सर्विस को हम यहाँ पे छह ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, ए बी सी डी ई और एफ। ए इक्वल टू फ्री फ्लो लो, जहाँ पे ए क्लास में जो ट्रैफिक फ्लो है वो फ्री होने वाला है, ट्रैफिक बहुत ही लो होगा और स्पीड हाई होगी। बी स्टेबल फ्लो होगा, नोटिसेबल ट्रैफिक होगा। सी स्टेबल फ्लो होगा जिसमें ट्रैफिक इंटरसेक्शन आएंगे। डी अनस्टेबल फ्लो होगा जहाँ पे हाई डेंसिटी होगी और मूवमेंट के लिए रेस्ट्रिक्शन होगा। ई अनस्टेबल फ्लो होगा जहाँ पे लोअर स्पीड और वॉल्यूम नियरली इक्वल टू द कैपेसिटी और लिटर फ्रीडम होगा। और एफ इक्वल टू अनस्टेबल फ्लो होगा जिसमें नो फ्रीडम, ट्रैफिक कैन ड्रॉप टू जीरो एंड स्टॉप एंड गो। तो यहाँ पे हम इस हिसाब से एलओएस को डिफरेंट डिफरेंट क्लास ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे मैंने इमेज के साथ दिखाया कि एलओएस 1 यहाँ पे फ्री ट्रैफिक है, ट्रैफिक बहुत ही कम है और यहाँ पे आपका व्हीकल मैन्यूवर कर सकता है। बी है तो जहाँ पे रीजनेबल ट्रैफिक होने वाला है, जिसके एबिलिटी और मैन्यूवरिंग है व्हीकल की वो रेस्ट्रिक्टेड होगी थोड़ी और इफेक्ट ऑफ माइनर इंसिडेंट स्टिल इजीली एब्सॉर्ब। उसके बाद लेवल ऑफ सर्विस सी है, जहाँ पे स्पीड एट नियर एफएफएस फ्रीडम टू न्यूअर मैन्यूवर इज नोटिसेबल एंड क्वे, वहाँ पे आपको बिहाइंड सिग्निफिकेंट ब्रोकर दिखाई देगा। डी में डेंसिटी इंक्रीज मोर क्विकली, फ्रीडम टू मैन्यूवर इज मोर नोटिसेबल एंड माइनर एक्सीडेंट क्रिएट हो गए, तो स्पीड डिक्लाइन स्लाइटली विद इंक्रीज फ्लो। उसके बाद लेवल ऑफ सर्विस ई और लेवल ऑफ सर्विस डी, तो लेवल ऑफ सर्विस में ऑपरेशन नियर और एट कैपेसिटी, यहाँ पे डेंसिटी देखने को मिलेगी आपको। नो यूजेबल गैप, यूजेबल गैप नहीं होगा ट्रैफिक स्ट्रीम में। ऑपरेशन एक्सट्रीमली वोलेटाइल होगा और डिस्टर्बेंस कॉजिंग क्यू, कि क्यू में डिस्टर्बेंस आ सकता है। लेवल ऑफ सर्विस एफ, जहाँ पे ब्रेकडाउन इन अ फ्लो है, क्यू फ्रॉम बियॉन्ड ब्रेकडाउन पॉइंट एंड डिमांड ग्रेटर देन कैपेसिटी, कैपेसिटी के ज़्यादा डिमांड होगी। तो यहाँ पे हमने अलग अलग लेवल ऑफ सर्विस के बारे में डिस्कस किया कि इन इंडिया एज पर IRC लेवल ऑफ सर्विस बी और लेवल ऑफ सर्विस सी के हिसाब से हम डिजाइन कर सकते हैं। लेवल ऑफ सर्विस बी के हिसाब से हम रूरल रोड को डिजाइन करेंगे और लेवल ऑफ सर्विस सी के हिसाब से हम अर्बन रोड को डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप ऑपरेटिंग स्पीड वर्सेज वॉल्यूम अपन कैपेसिटी रेशियो देख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, जो हमारे लेवल ऑफ क्लास ग्रुप। ट्रैफिक ऑपरेशन जो है वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे नंबर ऑफ कॉम्प्लीट इंटरसेक्शन पॉइंट पे होने वाला है वो है क्रॉसिंग कॉम्प्लीट, मर्जिंग कॉम्प्लीट और डाइवर्जिंग कॉम्प्लीट। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हम नंबर ऑफ क्लास है और रोडवे है नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉम्प्लीट, इसके बारे में हम इस हिसाब से हम ट्रैफिक को, ट्रैफिक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक और ट्रैफिक कैपेसिटीज के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने आज देखा कि ट्रैफिक वॉल्यूम, कि ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज के क्या है, पैसेंजर कार यूनिट क्या है, पिक ओवर वॉल्यूम क्या है, रिसीव के लिए जो फैक्टर है IRC वो क्या है, और कुछ ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक के इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Thank you so much.